वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद साइड में दिया हुआ बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। महिंद्रा ने अपनी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV300 को फरवरी 2019 में इंडिया में लॉन्च किया था और ये काफ़ी सारे प्रीमियम और सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। ग्लोबल NCAP ने इसको हाल ही में क्रैश टेस्ट किया था और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो आज ही ग्लोबल NCAP ने महिंद्रा XUV300 की क्रैश टेस्ट की रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और जो रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं आप सबको। क्रैश टेस्ट में XUV300 ने फुल 5 out of 5 stars स्कोर किए हैं और अब ये महिंद्रा की MPV मराजो के बाद सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाली उनकी कार बन गई है जहाँ तक सेफ्टी की बात करूँ। और इससे ये भी साफ साबित हो जाता है कि महिंद्रा की कार फ्यूचर में भी सॉलिडली बिल्ड होंगी और बेहतरीन सेफ्टी प्रोवाइड करेंगी। XUV ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार स्कोर किए हैं यानी कि फ्रंट पैसेंजर्स की सेफ्टी में इसको 5 स्टार्स मिले हैं और चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में इसको 4 स्टार्स मिले हैं। सिमिलरली है ये सैंगयोंग टिवोली ई प्लेटफॉर्म जैसा है XUV100 प्लेटफॉर्म जिस पर ये कार बेस्ड है और सैंगयोंग महिंद्रा ग्रुप के अंडर ये कंपनी आती है। स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो इस SUV में आपको डुअल एयरबैग्स ABS EBD मिलते हैं और ग्लोबल NCAP ने इस SUV के बॉडी स्ट्रक्चर और फुटवेल एरिया को भी काफ़ी स्टेबल बताया है। एक और बहुत बड़ा मुकाम और आज XUV300 और महिंद्रा ने हासिल किया है इस क्रैश टेस्ट के बाद कि यह इंडिया की आज तक की क्रैश टेस्ट करने जाने वाली सेफेस्ट कार बन चुकी है। इसको एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा 16.42 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 17 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोडक्शन में इसको 37.44 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 49 जो कि फिर से सबसे ज़्यादा है इंडियन कार्स में से। और ये मैं भी बता दूं कि हाल ही में टाटा एल्ट्रोस का भी क्रैश टेस्ट किया गया था और उसने 16.13 पॉइंट्स हासिल किए थे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोडक्शन में। चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोडक्शन में इसको 4 स्टार्स मिले हैं और उसका कारण ग्लोबल NCAP ने ये बताया है कि इसमें जो आइसोफिक्स सीट माउंटिंग्स हैं उसकी मार्किंग्स काफ़ी पुअर हैं और ना ही टेस्टिंग वेरियंट में 3 पॉइंट सीट बेल्ट थी और ये सेफ्टी फीचर सिर्फ इसके टॉप एंड W8 ऑप्शन वेरिएंट में मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में आपको फुली लोडेड सेफ्टी फीचर मिलते थे 7 एयरबैग्स फ्रंट पार्किंग सेंसर्स सीट बेल्ट रिमाइंडर सारे पैसेंजर्स के लिए और साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर मिडल सीट पैसेंजर। तो ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से महिंद्रा XUV300 के क्रैश टेस्ट रिपोर्ट के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा और अगर ऐसी ही अपडेट्स पाना चाहते हैं सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शुक्रिया।